और आज है सेकेंड डे ऑफ गणपति। हमारे यहाँ 5 डेज गणपति रहते हैं, मतलब पांचवे दिन हम उनका विसर्जन करते हैं। मुंबई में यहाँ पे 1.5 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 11 दिन, इस तरह से गणपति रहते हैं। तो आज हमारे यहाँ गणपति का सेकेंड डे है और हमारे यहाँ 5वें दिन विदाई करते हैं हम गणपति जी की। तो मैं नहा के आ गई फटाफट से और अभी हो रहे हैं सुबह के 9। झाड़ू पोछा मैं नहीं किया क्योंकि हाउस हेल्पर जो, जैसे मैंने लास्ट ब्लॉग में बताया था कि वो आती है थोड़ा लेट, उनको लेट हो जाता है। तो अभी मैं गणपति जी घर में है तो वेट नहीं कर सकते हैं, तो साफ़ सफाई करके मैं रेडी हो गई हूँ उनकी पूजा के लिए। तो प्रसाद निकाल लेती हूँ मैं उनका और मैं चलती हूँ आरती करने। तो पॉसिबल हुआ तो आरती मैं आपको अपने साथ ले चलूँगी। तो चलिए फिर जल्दी से कर लेते हैं पूजा। तो बस नहा के आने के बाद मैंने देखा कि इन्होंने सब कुछ भगवान का, जो पुराने फूल थे उनको निकाल लिया था और नए फूल उनको चढ़ा दिए थे, माला भी चढ़ा दी थी। ऑलमोस्ट सारी प्रिपरेशन डन थी, बस जो उनकी अखंड ज्योति है वो जलाना बाकी थी। तो मैं पहले उन्हीं की ज्योति से, अखंड ज्योति से एक अलग दिया प्रज्वलित करते हैं, उसके बाद जब उस बाती को हम ठीक कर लेते हैं तो हम उसमें फिर से उसी जो हमने अलग दिया जलाया है उनकी बाती से, उसी से हम वो अखंड दिया जो हमारा है उसको हम प्रज्वलित कर देते हैं। इस तरह हमारा ये अखंड दिया पूरे दिन जलता रहता है, 5 दिन तक हम कंटिन्यू जलाते हैं। और पीकू भी भगवान की जय जय करने आ गई है। एक्चुअली उसको हमने स्टार्टिंग से आदत डाली है कि भगवान जी को फूल दीपक सब कुछ वो साथ में हमारे करती है, तो वही उसको है कि माँ मुझे भी चढ़ाना है, मैं भी नहा के आ गई हूँ। तो बस अभी मैं यहाँ पे भगवान जी का श्रृंगार करूँगी। तो पहले उनको मैं रोली, हल्दी और अक्षत से उनका श्रृंगार करूँगी गणेश जी का। इस तरह से पहले उनको रोली लगाई, उसके बाद अब मैं उनको अक्षत चढ़ाऊँगी और उसके बाद मैं उनको हल्दी लगाऊँगी। और अब इधर मैंने पान के पत्ते पे भी अपने गौरी और गणेश रखे हैं, तो उनको भी हल्दी कुमकुम करूँगी और अपने कलश देव को भी हल्दी कुमकुम करूँगी और फिर उसके बाद उनको अक्षत अर्पित करूँगी। सबको, गणेश जी को किया, इधर मैं अपने कलश देव को अर्पित करूँगी और उधर गौरी गणेश को करूँगी जो साथ में रखे हुए हैं। और बस अब इनको करने के बाद अब माता गौरी को मैं सिंदूर अर्पित करूँगी। तो बस मैं अब सिंदूर उठाऊँगी ये, और अब माता गौरी को सिंदूर चढ़ाऊँगी चुटकी में लेके, और उसी सिंदूर माता गौरी से ही मैं सिंदूर अपना अपने मांग में लगाऊँगी। तो बस अभी ये हो गया है, प्रसाद लग गया है, दिया जल गया, सब कुछ हो गया, भगवान का श्रृंगार हो गया। अब हम दोनों मिलके करेंगे भगवान जी का धूप वंदन। इसके बाद अब हम करेंगे आरती। तो बस आरती के लिए तैयार हैं। एक्चुअली आरती के लिए मोबाइल की हेल्प। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून और सुबह आरती में मिले थे, पूजा में मिले थे गणेश जी की, और उसके बाद फिर घर में ब्रेकफास्ट वगैरह हुआ, लंच हुआ, ये सब तो डेली का था तो कुछ स्पेशल नहीं था, तो मैंने नहीं दिखाया उसको, तो पूरा नहीं आ रहा, ऐसे झुक जाती हूँ। तो अभी हो रहे हैं शाम के 3, हाँ 3 ही बज रहे हैं, और मैं सोच रही हूँ कि अभी गैस वगैरह सब साफ़ हुई है, किचन क्लीन हुई है, तो मैं सोच रही हूँ कि अपने गणपति जी का प्रसाद बना लूँ। तो आज मैं प्लान कर रही हूँ फिर से मोदक का, बट वो वाला मोदक नहीं, मैं आज बनाऊँगी आटे वाला मोदक, उसके अंदर स्टफिंग करूँगी, जो प्रॉपर मोदक होता है ना, जो रियल मोदक होता है, आज वो बनाऊँगी मैं। तो एक दो बार और बनाया है मैंने, तो आज मैं बनाऊँगी फिर से प्रॉपर खोया का स्टफिंग करके मोदक। तो मैंने सोचा कि चलो मैं मोदक बना ही रही हूँ तो आप लोगों को अपने साथ ले लेती हूँ, और आप लोगों के साथ बनाऊँगी तो और भी मज़ा आएगा बनाने में, प्रेजेंट करने में आप लोगों के लिए। तो चलिए, अभी तो मैं इनवाइट नहीं करूँगी खाने के लिए, क्योंकि अभी मैं अपने गणेश जी के लिए बना रही हूँ, तो उनको आज शाम को नहीं, मैं कल मॉर्निंग में भोग लगाऊँगी उसका, क्योंकि मॉर्निंग में उठ के इतनी जल्दी जल्दी फिर तुरंत से नहीं बन पाता है प्रसाद, तो मैं आज ही बना लूँगी उनका वो प्रसाद, उसको साफ साफ रख दूँगी, जिससे कल मॉर्निंग में जब हम आरती करेंगे उनकी तो मैं उनको वो प्रसाद लगा दूँगी। तो चलिए, टाइम को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए चलते हैं मोदक बनाने। इस फेस्टिव सीज़न में कितना अच्छा लगता है ना, है ना, थोड़ा सा डिफरेंट सा लुक, मेहंदी, नेल पेंट, अच्छा लगता है, सीरियसली अच्छा लगता है। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ मोदक बनाना। मैंने गैस क्लीन कर लिया है और सब तो क्लीन है ही, चलते हैं बनाते हैं। चलिए,
तो बस मैं किचन में हूँ और एक बार फिर से मैंने सोचा था एक बार पूछ लूँ अच्छे से गैस को, कहीं कुछ रह ना जाए, भगवान का प्रसाद है। तो बस एक बार मैं उसको फाइनल टच कर रही थी गैस को और मैंने कढ़ाई रख दी है। और कढ़ाई में ना हम बनाएंगे सबसे पहले मोदक का आटा। तो मोदक के आटे के लिए क्या होता है कि जितना हम पानी लेंगे, जैसे मान लो हमने अभी यहाँ पर 2 कटोरी पानी लिया है, गैस पर रखा है, तो उसी कटोरी के नाप से हमें 2 कटोरी आटा लेना है मोदक का। तो अभी तो मैंने 2 कटोरी पानी रख दिया है गैस पे गरम होने के लिए और इसमें डाल दिया है 1 चम्मच घी घर का। जब पानी गरम होने लग गया ना, ये देखिए पानी गरम होने लग गया, तो उसी कटोरी की नाप से हम इसमें 2 कटोरी मोदक का आटा डालेंगे। और ये परफेक्ट मेज़रमेंट होता है मोदक के आटे के लिए। और डालने वाले इसमें थोड़ा सा नमक डालते हैं, बट मैं भगवान का प्रसाद बना रही थी तो मैंने इसमें नमक नहीं ऐड किया है और एकदम सिम पे था। और अब इसको मैं बंद कर दूंगी गैस को। और इस आटे को हमें गरम गरम ही लगाना होता है, अगर हम इसको गरम गरम सहते सहते नहीं लगाएंगे ना तो ये आटा नहीं लगेगा, परफेक्ट मोदक नहीं बनेगा। तो मैं इसको एक कटोरी में या एक अलग बाउल में निकाल लिया मैंने और ये थोड़ा सा हल्का सा इसको मैं वेट कर रही हूँ चला चला के कि थोड़ा सा सहने लायक हो जाए बस, क्योंकि मुझे इसको सहते सहते ही आटा गूंथना है, बिल्कुल भी मतलब वेट नहीं करना है। जैसे अगर हम सोचेंगे कि ठंडा करके तब गूंथेंगे तो आटा बेकार हो जाएगा। तो बस इसको बस सहते सहते ही मैं ट्राई कर रही हूँ कि इसको गूंथ लूँ और इसको गूंथ के एकदम चिकना कर लेना है। अगर आप इस मेज़रमेंट से बनाएंगे ना तो आपका आटा बिल्कुल भी गीला नहीं होगा ना ड्राई होगा, परफेक्ट बनेगा। तो इसको बस गूंथ गूंथ के मैंने एकदम चिकना कर लिया है इधर। और इधर दूसरी तरफ मैंने गैस पे खोया रख दिया है। इस खोए को मैंने ऑलरेडी पहले ही बना के चीनी मतलब बूरा और ड्राई फ्रूट्स, इलायची पाउडर सब डाल के मैंने रख दिया था, बट मैंने फ्रिज में रखा था, इस वजह से ये बहुत टाइट हो गया था। तो बस उसको थोड़ा सा नॉर्मल उसमें ला रही थी टेम्परेचर में, इसलिए मैंने कढ़ाई पे रखा था। और ये जब नॉर्मल टेम्परेचर पे हो जाएगा, अच्छे से मिक्स हो जाएगा पूरा ये, तो इसको मैं ना एक अलग कटोरी में निकाल लूँगी। तो बस अब ये नॉर्मल टेम्परेचर में करने का हो गया है, सब चिपकने लग गया है कढ़ाई मतलब सॉरी कढ़ाई छोड़ने लग गया है खोया। तो अब इसको मैं एक अलग कटोरी में निकाल लूँगी जिसमें ये ऑलरेडी पहले था। तो अब ये हो गया, तो अब मैं इसकी तरफ जो मैंने आटा लगा के रखा है इसकी छोटी छोटी लोइयाँ बनाई हैं और ये एक लोई ली है हाथ में, इसको अच्छे से चिकना कर लूँगी, परफेक्ट चिकना। जब ये हो चिकनी जब ये हो जाएगी ना तो इसको मैं परफेक्ट चिकनी करने के बाद इसको मैं क्या करूँगी कि इसको कचौड़ी की तरह, जैसे हम स्टफ़ करते हैं ना कचौड़ी के आलू या कुछ भी स्टफिंग का कुछ भी बनाते हैं, उसी की तरह मैं उसी के शेप में लाने की कोशिश करूँगी। क्योंकि इसको बहुत सॉफ्ट हाथ से यूज़ करना है, अगर मैं थोड़ा सा भी रफली यूज़ करूँगी ना तो ये फट जाएगा। तो बहुत केयरफुली आपको बनाना है अगर आप घर में ट्राई करोगे इसको तो। बहुत ही हम मतलब मैं बहुत ही सॉफ्टली हाथों से इसको बना रही थी क्योंकि ये हर जगह से फटने मुझे लग रहा था फट ही जाएगा इसलिए। तो बस अभी इसमें मैं स्टफिंग को फिल कर दूंगी और बस अपने धीरे धीरे हाथों से इसको गोल गोल करते हुए इसको मोदक के शेप में लाऊंगी। अगर आपके पास मोदक का सांचा है तो वेल एंड गुड है, अगर आपके पास सांचा नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इस तरह से मेरे हाथ जैसे जैसे मैं बना रही हूँ परफेक्ट हाथों से उसी तरह गोल गोल करते हुए इसको शेप में ले आइए मोदक के। और आपके पास अगर टूथपिन है तो उससे भी कर सकते हैं, अगर वो नहीं है तो आप ऐसे फोक की हेल्प से इसको थोड़ा सा इस पर लाइन आ जाएंगी तो ये परफेक्ट मोदक लगेगा, जैसे लगेगा कि आपने सांचे से ही निकाला है। ये देखिए इस तरह का मोदक बनके तैयार है आपका। तो बस अब मैं इसी तरह से सारे मोदक बना लूँगी एक एक करके, अगर मैं सारे दिखाने लग जाऊँगी ना तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो बस मैं अभी एक बना के आपको दिखा रही हूँ और अब मैं दूसरी तरफ क्या करूँगी, गैस पे पानी रख लूँगी, सॉरी भगोने में पानी ले लूँगी 1 गिलास और नीचे से गैस जला लूँगी। और अब गैस पर मैं छलनी रख दूँगी स्टील की, अगर आपके पास इडली मेकर है तो वेल एंड गुड है, मेरे पास अभी यहाँ पर नहीं था तो प्रेजेंट में। तो मैं इसके ऊपर घी अप्लाई कर रही हूँ जिससे मोदक चिपके नहीं, और जब पानी गर्म हो जाएगा ना तब मैं इसमें एक एक करके सारे मोदक रख दूँगी। तो अभी मैं एक बार में 5 to 6 मोदक ही रखूँगी क्योंकि सारे एक साथ रखूँगी तो सारे मोदक आपस में चिपक जाएंगे। और मैं पहले बता दे रही हूँ मैं परफेक्ट कुक नहीं हूँ मोदक के लिए, तो बस भगवान जी के लिए प्रसाद मेरे मन में था कि मैं घर में बनाऊँगी तो बस मैं वही बना रही हूँ।
और ऐसे ही धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते एक दिन परफेक्ट मोदक बनाने लग जाऊंगी। तो बस जैसा भी आता था आपके साथ शेयर किया मैंने अपना मोदक, एक एक करके मैं इस तरह से चलनी में रख दूंगी सारे मोदक, सारे तो नहीं मतलब 5 to 6 मोदक रख दूंगी। तो बस यही रख रही हूँ मैं अभी, और इसको रखने के बाद इसको मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए। अब मैं इसको भगोने के ऊपर रख दूँगी क्योंकि पानी ऑलरेडी गर्म हो चुका है। और तो बस अभी मैंने इसको ढक्कन से ढक दिया है, और ऊपर से मेरे पास अदरक कूटने वाला वो भारी था तो मैंने रख दिया कि स्टीम बाहर ना निकले। अब इसको मैं 20 से 25 मिनट्स के तक के लिए कुक होने के लिए रख दिया है। तो बस अब तैयार है मेरा यम्मी यम्मी मोदक। तो इसका पहले मैं प्रसाद लगाऊंगी। मैं बहुत परफेक्टली तो नहीं बोलूंगी कि बना है, बट हाँ थोड़ा टफ होता है ये, बट बन गया है। ये वाला देखो परफेक्ट बना है, ये वाला भी कुक हो चुका है। इसको मैं ढक के रख दूंगी और फिर प्रसाद में लगाऊंगी। तो बस अभी हो गई है रात, और रात के हो गए हैं 10:30। और ये देखिए मेरे गणपति जी का घर, मेरे गणपति जी का आसन रात में कैसे जगमगा रहा है। एक्चुअली क्या हुआ था, मोदक बनाने के बाद हम चले गए थे बाहर, और बाहर से आने के बाद खाना वाना खाते हुए हो गई है लेट। तो आज के ब्लॉग को कर रही हूँ यहीं पे एंड। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।